ओह सुनो सुनो में सेल्फी सुनो में सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी मैं अपने उन दोस्तों को दे दूं जो कभी माता वैष्णो देवी नहीं आए हैं। काफ़ी आसान है ना। सबसे पहले वो क्या करें कि जो रेलवे की जो वेबसाइट है irctc.co.in पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लें, और वो क्रिएट करने के बाद अपने शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन सिलेक्ट कर लें। ट्रेन काफ़ी शो हो जाएंगी उसमें। फिर उसके बाद जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपना टिकट बुक कर लें। आज हम जा रहे हैं दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। ये बाणगंगा चेक पोस्ट से अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टी सीरीज के जो मालिक हैं गुलशन कुमार जी के नाम से यहाँ लंगर चलता है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों बाणगंगा पे। ये बाणगंगा स्नान घाट है, और यात्रा का आरंभ करने से पहले थोड़ा टाइम आप यहाँ पर आप जरूर स्पेंड करें, और उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ करें। इसके बाद आगे एक और स्नान घाट है, काफी अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। एक बाथिंग घाट ये है दोस्तों, पीछे बाथिंग घाट एक जो बाणगंगा का मेन बाथिंग घाट था, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे आने के बाद ये भी एक बाथिंग घाट है। यहाँ भी आप लोग आराम से स्नान करके आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आओगे तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आने वाला है, वहां से ज्यादा मजा आपको यहाँ आएगा। मैं दिखा देता हूँ व्यू। जब आप माता वैष्णो देवी आओ तो मैं कहता हूँ इस वाले बाथिंग घाट पे आप जरूर आना। कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत काफी एंजॉयमेंट है। तो दोस्तों ये वाला बाथिंग घाट काफी अच्छा है, इस बाथिंग घाट पे आप जरूर आओ। ये काफी खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन बाणगंगा कटरा, ये बाणगंगा के नियर है दोस्तों, और काफी खूबसूरत मंदिर है। और भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा काफी अच्छी बनाई हुई है। अभी हम और आगे तक आ गए हैं दोस्तों, और आज का मौसम काफ़ी साफ है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। जब हम निकले थे तब काफ़ी सर्दी लग रही थी मॉर्निंग टाइम में, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये दोस्तों आप देख रहे होंगे पहाड़ के ऊपर थोड़ी बहुत स्नो, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ी बहुत। जितने भी श्रद्धालु जो कि जो दर्शन करके आ रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि काफ़ी स्नोफॉल हुआ था पीछे, और भैरव घाटी पर हमें काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी, काफ़ी स्नो है वहाँ। और आप इस वीडियो के साथ आप बने रहना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भी। थैंक्स। ये दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंचने से पहले, ठीक हाफ एंड किलोमीटर पहुंचने से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो भवन की तरफ दो रास्ते जाते हैं। हिमकोटी वाले मार्ग से भी आप जा सकते हैं और हाथीमत्था वाले मार्ग से भी आप जा सकते हैं। हिमकोटी वाला मार्ग 5.5 किलोमीटर, जबकि हाथीमत्था मार्ग से भवन का जो डिस्टेंस है वो 6.5 किलोमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक रास्ता इस तरफ है, दिखा देता हूँ। यह रास्ता है दोस्तों हिमकोटी की तरफ से होते हुए, और दूसरा रास्ता ठीक मेरे पीछे जो हाथी मत्था मार्ग, भवन वाया हाथी मत्था मार्ग, ये रास्ता जो मैंने जो चूज किया है, मैं हाथी मत्था मार्ग से मैं जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं अर्धकुंवारी पहुंच जाऊंगा, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अर्धकुंवारी के दर्शन। बस हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों हरिद्वारी। ये अर्धकुंवारी हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, और काफी खूबसूरत सनसेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से काफी खूबसूरत लग रहा है, ऑसम। ये डिस्पेंसरी है फ्रेंड्स अर्धकुंवारी में, ये इस तरफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरफ डिस्पेंसरी है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, आप मेडिसिन ले सकते हैं इस तरफ से, यहाँ से। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ये एटीएम यहाँ पे है, J&K बैंक का एटीएम है दोस्तों। और खाने पीने के लिए भी काफी कुछ है, मैं दिखा देता हूँ। काफी शॉप्स हैं अर्धकुंवारी पे, सागर रत्न बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब काफी अच्छा खाना है सागर रत्न का। ये अर्धकुंवारी है दोस्तों अर्धकुंवारी। टाइम हो चुका है 5:30, काफी सर्दी हो चुकी है, सर्दी बढ़ चुकी है यहाँ पे। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ गर्भजून गुफा का रास्ता। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना क्राउड है अर्धकुंवारी पर। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों भवन की तरफ। अभी 5:30 बजे हैं, हम लोग पहुंचेंगे भवन पर 8:30-9 बजे के आसपास। 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग भवन तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ।
भवन 750 मीटर, और अभी आरती चल रही है, हम लोग पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम चल ही रहे हैं, रात को सर्दी काफी हो चुकी है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, इसलिए टेम्परेचर पता नहीं चल रहा है कि कितना अभी टेम्परेचर है। काफी क्राउड देखने को मिल रहा है, जैसे कि पीछे मैंने बताया अर्ध कुंवारी पर काफी क्राउड था, और आगे अब जब हम भवन पहुंचेंगे भवन पर काफी क्राउड मिलने वाला है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो देवी भवन। मैं व्यू दिखा देता हूं आपको। नाइट व्यू में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्तों भवन। मैं दिखा रहा हूँ, रात के 8:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी भवन। जय माता दी। और काफी सर्दी काफी पड़ चुकी है, भवन के बिल्कुल सामने, और ये देख रहे होंगे श्रद्धालुओं की लाइन जो लगी हुई है दर्शनों के लिए, काफी लंबी लाइन है। आरती समय अभी खत्म हो चुकी है और श्रद्धालुओं की काफी लंबी लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो लाइन कितनी लंबी है दोस्तों, काफी लंबी लाइन है ये। अब हम भी थोड़ी देर में दर्शनों के लिए जाएंगे। जय माता दी। सुबह हो चुकी है दोस्तों, और मैं आपको दिखा रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग का व्यू, काफी खूबसूरत जो भवन के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी स्नो है, स्नो आपको पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रही होगी दोस्तों। काफी खूबसूरत व्यू, सुबह के 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रोप वे ट्रॉली के काउंटर पे कितनी भीड़ लगी हुई है। ये काफी भीड़ है रोप वे ट्रॉली के काउंटर पे, रोपवे के लिए टिकट के लिए जो लाइन लगी हुई है। ये लाइन कितनी लंबी है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों रोपवे के काउंटर पर, देख लीजिए। हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम भैरव मंदिर तक पैदल ही जाएंगे, और अब हम जा रहे हैं दोस्तों भैरव घाटी की तरफ। जय माता दी।
ये बैरों के रास्ते में बीच में स्नो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बैरों पे जब हम जाते हैं तो रास्ते में काफी स्नो दिखाई दे रही है, यहाँ काफी स्नो है इधर। जय माता दी। अभी ये स्नो साइड में की हुई है, रास्ते में काफी परेशानी हो रही थी पहले यात्रियों को चढ़ने में, अब ये स्नो को साइड में कर दिया गया है। जय माता दी। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, भैरव मंदिर पर जाते वक्त काफी चढ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो वहां पे आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, जितना हो सके पैदल अपने पैदल यात्रा ही करें भैरव मंदिर तक जाते हुए। ओ स्नो, स्नो में सेल्फी, स्नो में सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों। जो भैरव मंदिर वाला जो रास्ता है दोस्तों, पैदल अगर चढ़ाई करते हैं तो रास्ते में काफी खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, काफी लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो फोटो सब कर रहे हैं, फोटो वोटो खींचे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी खूबसूरत दृश्य। और अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों बाबा भैरवनाथ मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, और ये मैं दिखा रहा हूँ व्यू आपको, काफी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। जय बाबा भैरवनाथ, जय हो भैरव बाबा की, जय हो, जय भैरव बाबा। ये देख सकते हैं और क्राउड काफी है, भवन पे भी क्राउड था और यहाँ भैरव मंदिर पर भी काफी क्राउड है। जय भैरवनाथ। ओ स्नो स्नो हर तरफ स्नो, क्या बात है यार। जय माता दी। जय माता दी। ये बर्फ को हटा रहे हैं, बर्फ का हटाने का काम स्टार्ट है, हटा रहे हैं अभी धीरे धीरे। आगे भी है क्या? ओ आगे भी बहुत ज्यादा यार ये तो। और हम आ गए हैं दोस्तों सांझी छत पहुंच गए हैं। सामने हेलीपैड है, मैं दिखा देता हूं आपको। अभी हम कटरा पहुंच गए हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।